जी स्टूडेंट्स, तो आज की जो हमारी वीडियो है वो आईयूपीएसी नेमिंग के ऊपर है कि हाइड्रोकार्बन की आईयूपीसी नेमिंग किस तरह से करते हैं। 10th क्लास और प्लस वन प्लस टू के लिए यूजफुल वीडियो है। 10th क्लास में चैप्टर नंबर 4 है जिसमें ये आता है, आईयूपीसी नेमिंग आती है। ठीक है, आईयूपीसी नेमिंग के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है वर्ड रूट की। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ कार्बन जो है कितनी है, जैसे नंबर ऑफ कार्बन अगर एक है तो उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन जिसमें यहाँ पर लिख रही हूँ 1 से लेके 10 तक, तो 1 जो कार्बन होती है तब उसको क्या कहते हैं, तब उसको कहते हैं मिथ। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, एक्चुअली हाइड्रोजन और कार्बन के, हाइड्रोजन और कार्बन से बनी हुई चेन्स होती हैं। ठीक है, अगर कार्बन एक होएगी, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बन से बनी हुई चेन होती है, अगर कार्बन एक होएगी तो मिथ कहा जाता है, अगर दो होती हैं तो इथ, उसके बाद प्रॉप, ब्यूट, 4 के लिए ब्यूट कहा जाता है, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। ठीक है, DEC इसको डेक रीड करना है आपने, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कार्बन के हिसाब से। ठीक है, अब आगे हम इसका स्टार्ट करते हैं, नोमेनक्लेचर जो होता है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंगल बॉन्ड के लिए, कि अगर बॉन्ड सिंगल है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड हो तब क्या बोलते हैं उसको। जो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं, मतलब जिनमें सिंगल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, सिंपल एक बॉन्ड आ रहा है, उसका नाम क्या होता है, उसमें हम एक एब्रीवेशन लगाते हैं जिसका नाम है इथेन, सॉरी उसका नाम है एन, इथेन मैंने बोल दिया एन। ठीक है, ये यूज करते हैं हम सफिक्स के लिए, तो नाम क्या बनेगा, मिथ, एक ही कार्बन है तो एन, मिथेन, दो के लिए इथेन। इनके स्ट्रक्चर्स भी करेंगे हम, पहले नाम देख लेते हैं, प्रो एन, कंडीशन क्या है कि सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, देन ब्यूटेन, इसी तरह से सारे लिख लेंगे, तो इस तरह से सिंगल बॉन्ड वाले सारे लिख लिए मैंने। देखो, जैसे हेक्स प्लस एन, हेक्सीन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीके। ठीक है, अब हम लेते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए। एक और बात, जो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं इनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, और जो डबल और ट्रिपल वाले होते हैं उनको अनसैचुरेटेड बोलते हैं। ठीक है, अब मैं डबल बॉन्ड के लिए कर रही हूँ। ठीक है, तो डबल बॉन्ड के लिए जो आता है वो आता है परफेक्ट सफिक्स ईन। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आता है सफिक्स आइन। क्लियर, इस तरह से देखो, डबल बॉन्ड जब जिन हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड आ जाता है उसका नाम आ जाता है ईन, और ट्रिपल वाले के लिए आइन। तो ये हमारे पास जैसे आ जाएगा नाम। अच्छा, डबल और ट्रिपल के लिए एक सिंगल कार्बन नहीं होती है, अगर हमें डबल बॉन्ड लेना है तो डबल बॉन्ड के लिए कार्बन 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 और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है ना, तो इसके लिए दो कार्बन का होना जरूरी है ना। ट्रिपल में भी ऐसे दो कार्बन का होना जरूरी है, इसलिए सिंगल नहीं होता, मतलब एक कार्बन वाला कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जिस तरह से मतलब मिथीन नहीं होता, मिथाइन नहीं होता। अब हमारा नेक्स्ट आएगा, इसका नाम होगा इथीन, देन प्रोपीन, इन सभी के स्ट्रक्चर्स करेंगे हम, ब्यूटीन, नेक्स्ट पेंटीन, तो इस तरह से सारे नाम लिख लेंगे, और इधर आइन का क्या बनेगा, इथ आइन। हमने सिंपल जो हमारे पास दो कार्बन थी तो इथ लगा के उसका सफिक्स क्या लगा दिया, आइन। इसका आ जाएगा प्रोपाइन, नेक्स्ट का ब्यूटाइन, पेंटाइन, तो इस तरह से ये मैं कंप्लीट कर लूंगी, आप भी इसी तरह से कंप्लीट कर लेना, तो कुछ इस तरह से सारे के सारे नाम आ जाएंगे। क्लियर, अब इन सभी के स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर्स के लिए,
बोर्ड एग्जाम्स के अकॉर्डिंग या वैसे नॉलेज के लिए और आगे आपके नोमन क्लेचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके स्ट्रक्चर्स अब हम बनाना सीखें।